जो मैंने एडजस्टमेंट कराया है मोटो व्लॉग का फोन से, तुम देखिए भाई कुछ ऐसा हो रखा है भाई, हल्की हल्की बारिश लगने लग गई है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मसूरी शहर से। और फिलहाल अभी के सुबह के बज रहे हैं 10 और बारिश लग चुकी है, और हम अपनी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं जो कि मोटो व्लॉग होने वाली है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मोटो व्लॉग भी करेंगे हम। तुम देखिए भाई कुछ ऐसा हो रखा है, बारिश हो रही है हल्की फुल्की बूंदाबांदी, और चल रहे हैं हम मोटो व्लॉग के सेटअप की तरफ। और देखो ग्रीनरी हो रही है चारों तरफ। मोटो व्लॉग गोप्रो या किसी कैमरे पे नहीं होने वाला है, ये होने वाला है हमारे एकदम फ़ोन पे। तो इसका व्लॉग भी मैं शूट करूँगा कि जो मैंने एडजस्टमेंट कराया है मोटो व्लॉग का फ़ोन से, तो ये दिखाऊँगा। तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई आ चुके हैं हम बिल्लो रानी के पास, खड़ी हो रही है और 11 बज रहे हैं अभी। तो रोड ट्रिप हम थोड़ी आगे भी दिखाएंगे आपको, मोटो व्लॉग फ़ोन से शूट कैसा हो रहा है, तो वीडियो में बने रहें। और तो खड़ी हो रही है इधर, और एकदम चेक करें आप मौसम को, देहरादून तो पूरा क्लियर दिख रहा है भाई। जाओ पहले कैमरे का सेटअप बना लेता हूँ, अभी यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको जो ये गोप्रो वाला व्यू है, जैसा गोप्रो वाला व्यू है, इसको दिखाऊंगा। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं स्कूटी पे अपनी बिल्लो रानी पे। तो चलो, तो आ चुके हैं हम मोटो व्लॉग के सेटअप पे। तो भाई व्यू कैसा दिख रहा है ये बताएं आप सब। और अभी हम हैं मसूरी से थोड़ी सी 2 किलोमीटर धनौल्टी की तरफ, मतलब ये रोड जा रही है जो धनौल्टी की तरफ जा रही है, और अभी हम थोड़ी लंबी ट्रिप प्लान कर। तो भाई दृश्य देख, बताओ कैसा आ रहा है जो कि आपको दिख रहा है आगे। और अगर आपको ये सब एसेसरीज चाहिए, आपको भी मोटो व्लॉग करना है या कर नहीं पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि गोप्रो लेना ही लेना है, फ़ोन से भी हो सकती है। बस उसके लिए स्टैंड वगैरह, माइक वगैरह, ये आपको मतलब मिनिमम 1000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट पड़ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखी है, अगर आपको ऑनलाइन बाय करना है तो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ओह चलो भाई व्यू देखिए आप बस। ओ यो गाय माता, मोटो व्लॉग की तरह लग रहा है, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मतलब लग क्या रहा है, ये तो है ही यार, मोटो व्लॉग ही तो है, बस हमारा थोड़ी बजट सस्ता है, सस्ता व्लॉगर। पहुंच चुके हैं जमर खेत पे, और यहाँ से आगे जाता है रास्ता, यहाँ पे MS धोनी भी रुके थे एक बारी। तो अब यहाँ से आगे आने वाला है बाटा घाट, और उसके बाद धनौल्टी। बारिश का भी थोड़ी प्लान सा बन रहा है बरसने का, पर बारिश के बरसने से पहले हम अपनी ट्रिप कंप्लीट कर देते हैं। रोड ख़राब है यहाँ पर, और यहाँ पर टच करते हैं हम 80। ओ हो हो भाई, अभी पिछले महीने की बात है, इसी रोड पे जा रहा था मैं, और सुरकंडा मंदिर से 3-4 किलोमीटर पहले टायर पंचर हो गया हमारा, और मैकेनिक भी बंद था जो सुरकंडा मंदिर के पास रहता है, और वहाँ से सुरकंडा मंदिर से लेके पूरे चंबा तक मतलब अराउंड फिगर 25 किलोमीटर तक का बैठा है चंबा तक। और मतलब 25 किलोमीटर तक था, और ये अभी हम बाटा घाट पे हैं, ये लेटेस्ट बना है ये जो रोड बनी है, तो थोड़ी एकदम राइड स्मूथ हो रही है। ओवरटेक मारते हैं यार इसे भाई, पैदल सोच सकते हो आप। अबे कहाँ चला रहे भाई स्कूटी, और टायर पूरा एकदम रिम से बाहर आ गया था, एक साइड को था टायर, तो एक साइड से एकदम टायर घिसते घिसते गया, और चंबा पहुँचते चंबा जो टीरीगढ़ वाल में है
तो चंबा पहुँचते पहुँचते टायर की एकदम हालत खस्ता हो गई थी, तो वहाँ हमने टायर चेंज कराया। पर उस दिन की याद है मुझे, इसलिए हमेशा मैं अब उस दिन से चेक करके चलता हूँ हवा, ब्रेक वगैरह सब चीज़। वो उस टाइम मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा था पर मेरी हालत नहीं थी, तो वहाँ से चंबा तक लियाते लियाते भाई 6 घंटे लग गए हमें। अकेले ले गया भाई, अकेले, क्योंकि साथ में कोई था भी नहीं और ना कोई पिकअप वगैरह मिली जिस पे हम अपनी गाड़ी लोड करवा के चंबा तक छोड़वा सकें। फिर चंबा में जाकर टायर ही चेंज करवाया, फिर वहाँ से मसूरी आने के लिए तो लेट हो जाती। 5:30 बजे करीबन पहुँचे हम, फिर ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि गांव ही चल जाता हूँ। फिर उस दिन गांव चले गया था और अगले दिन लग गई बारिश, फिर उसके बाद बारिश में आए और ये पहुँचने वाले हैं चुवाखोली, जो कि एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होने वाला है। और यहाँ से नीचे का व्यू दिख रहा है बहुत खतरनाक, और यहाँ ज़्यादा ग्रीनरी है। तो मोटो ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको कमेंट ज़रूर करें, बढ़िया है कि नहीं है भाई, कमेंट ज़रूर करना। और सब्सक्राइब शेयर तो आप कर ही रहे हो, तो भाई थोड़ी सी ध्यान रखना हमारा भी। और रोड इतनी मस्त है ना, मक्खन बनी हुई भाई पूरी रोड, और हमने तो खूब सुथरी किया भाई। आज बहुत सारे लोग राइड पर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे सब्सक्राइबर भी मिले हैं। इधर को चलो, हम इधर को चलेंगे। तो भाई हल्की हल्की होने लगी है बारिश, तो हम ऐसा, अबे भाई उधर चल ले, मारेगा क्या इधर। तो भाई हल्की हल्की बारिश लगने लगी है कि ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मोटो ब्लॉग पसंद आया होगा, और जल्दी मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूँगा। तो चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करें, और थोड़ी प्यार दिखाएं हमें भी, डेली ब्लॉग रोज़ डालेंगे। तो ठीक है, सी यू, गुड बाय। ये देखो भाई, तो भाई उसके बाद देहरादून का आगे तक गए, चंबा तक गए, और यहाँ आके मौसम बहुत बढ़िया था और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। तो चलो बाय बाय, गुड बाय।